हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल ये पढ़ेंगे। देखो, स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर के बारे में आप कैसे लिखेंगे? नेम ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। नेम ऑफ फोर वर्टाइसेस, दीज आर वर्टाइसेस A, B, C, D. Name of four equal sides. Four equal sides. A, B, B, C, C, D, A, D, D, A. कुछ भी लिख सकते हैं आप। हाँ, आप ऐसे A, B भी लिख सकते, B, A भी लिख सकते, B, C, C, B, ऐसा कुछ भी। Name of four vertices. Four sides are equal. That is, A, B is equal to B, C is equal to C, D is equal to D, A. Four sides are equal. आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये चार स्क्वायर दिए। आपको ऐसे ही इसके बारे में लिखना है। नेम ऑफ स्क्वायर, नेम ऑफ फोर वर्टाइसेस, नेम ऑफ फोर इक्वल साइड्स, नेम ऑफ फोर वर्ट, फोर साइड्स आर इक्वल, ऐसा आपको लिखना है। इसका ये आपके लिए वर्क है। अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड बी सी। दिस इज लेंथ, लेंथ दिस इज ब्रेथ। देखो, ए बी एंड डी सी इक्वल साइड्स, ए डी एंड बी सी इक्वल साइड्स। नेम ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। नेम ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड सी डी। नेम ए डी एंड बी सी। नेम ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी। ए लेंथ है, इसको लेंथ बोलते हैं, ए लेंथ, और ये है ब्रेथ। ए लेंथ और ए ब्रेथ। नेम ऑफ फोर वर्टाइसेस ए बी सी डी। आपको ए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये चार रेक्टेंगल दिए हैं। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल। सर्कल के बारे में, ये है सर्कल। अ सर्कल इज अ क्लोज फिगर विथ अ कर्व बाउंड्री। हाँ, क्लोज फिगर विथ अ कर्व बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? ए सर्क्यूम्फेरेंस। द कर्व बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड सर्क्यूम्फेरेंस। ए डेफिनेशन भी दिए हैं, आपको डेफिनेशन भी याद करना है। रेडियस, ये सर्कल, हाँ ये सर्कल है। और देखो, रेडियस अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू बाउंड्री ऑफ अ सर्कल मीन्स ये, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, सेंटर टू बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। दिस इज रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। नेम ऑफ रेडियस ओ टी, ओ आर, ओ एम, ओ एल, दीज आर रेडियस। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया, राइट द नेम्स ऑफ द रेडियस, तो आप लिखेंगे ओ टी, ओ आर, ओ एम, ओ एल। एंड नेम ऑफ सेंटर ओ, सेंटर इज ओ। इन द अबव फिगर नेम ऑफ सेंटर ओ, नेम ऑफ रेडियस, एक रहा तो रेडियस, ज़्यादा रहे तो रेडियस, ओ आर, ओ टी, ओ एम, ओ एल। ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज सबकी लेंथ सेम रहती, सेंटर से बाउंड्री तक रहता, सेंटर से बाउंड्री पॉइंट रहता नहीं, तो इसलिए इस डिस्टेंस सेम रहता है। ओ टी, ओ आर, ओ एम, ओ एल, सेम डिस्टेंस। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सर्कल दिए है, आप लोगों को प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो, रेडियस ओ एम, सॉरी पी एम, पी क्यू, पी एन, पी एस, ओ के, ओ एल, ओ पी, ओ क्यू, ओ टी, ओ आर, ये आपको लिखना है। पहले ये इसमें जैसे मैंने लिखा है वैसा आपको लिखना है सर। कॉर्ड, अब देखो कॉर्ड। कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन विच गेट फ्रॉम जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो, एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए पॉइंट और ए पॉइंट ज्वाइन किया तो कॉर्ड मिला, ए पॉइंट और ए पॉइंट ज्वाइन, ऐसे आप कैसे भी यहाँ से भी कॉर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कॉर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ऐसा। तो इसको एल एम एंड सी डी आर कॉर्ड। नेम ऑफ कॉर्ड्स एल एम एंड सी डी। नाउ डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर लाइन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस, गोज थ्रू अ सेंटर एंड एंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर।
एट अ पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस. देखो, या एक पॉइंट से सर्कल में से सॉरी सेंटर में से जाके दूसरे पॉइंट तक, यानी सर्कम्फ्रेंस के एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेंटर में से जाती है और दूसरे पॉइंट पे, सर्कम्फ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे स्टॉप होती है, इसको डायमीटर बोलते हैं. तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको भी कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है ऐसे पूछे तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. राइट नेम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड फ्रॉम गिवन फिगर. आपको अब यहाँ इसमें से सब रेडियस के नाम लिखना है, डायमीटर के नाम लिखना है, कॉर्ड के नाम. देखो अब रेडियस ओ टी, ओ पी, ओ क्यू, ओ बी, ओ आर, दीज आर रेडियस. डायमीटर ओ क्यू, कॉर्ड ए बी. यहाँ पे भी ये फिगर दी है आपको, तो एक कॉर्ड है बी सी और रेडियस ए सी, ए बी, ए ई, ए डी और डायमीटर बी डी ई सी, सेंटर ए. ऐसे आपको पूरा 1 2 3 4 सॉल्व करना है आप लोगों को. तो यहाँ पे आपके आपको प्रैक्टिस के लिए इतने सारे फिगर दिए. थैंक यू.